बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। वहीं नूपुर शर्मा के वीडियो को देखने वाले घायल युवक के बारे में बोले, बिहार व भारत सरकार इस मामले को लेकर लिया है संज्ञान। बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए परमपुर में बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे परमेश्वर नाथ की पूजा अर्चना करते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं तेजस्वी के इस बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ताजा मामला इस वक्त फुलवारी शरीफ में PLFI के आतंकियों को पकड़ने जाने को लेकर भी सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं कल ही राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद अश्विनी चौबे ने अपने NDA प्रत्याशी के लिए प्रतिक्रिया दी। भक्ति के साथ हम सब लोगों ने, जब से मैं यहाँ पहली बार जब पूजन करने के लिए आया था, सांसद बनने के पहले भी मैं कई बार आया था, लेकिन सांसद के पहले जब मैं आया था संकल्प लिया था कि बाबा परमेश्वर नाथ का अच्छे तरह से सौंदर्यीकरण हो और बाबा की कृपा से यहाँ पर 9 करोड़ का पर्यटन मंत्रालय की ओर से, उसमें हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबके सहयोग से 9 करोड़ की लगभग कई परियोजनाएं हमने स्वीकृत कराई है फिलहाल, और वो परियोजनाओं का काम भी शुरू हो रहा है, और उन सभी परियोजनाओं का सौंदर्यीकरण का जो मंदिर से परिसर से जुड़े हुए अनेक विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों का अंतिम रूप भी उसका शुभारंभ शीघ्र ही करूंगा। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, आज मैं यहाँ निरीक्षण करने आया था, मुआयना करने आया था, और साथ साथ संस्कृत विद्यालय में पौधे भी तालाब तट पर पौधा लगाना था, लेकिन काम हो रहा है इसलिए इसमें बाद में पंचवटी पौधे भी यहाँ लगेंगे, नवग्रह वाटिका भी लगेगा, उसकी व्यवस्था भी किया जाएगा। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, एक पेड़ 10 पुत्र के समान होता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को, और मैंने सावन महीने में ये संकल्प लिया है, देश भर में जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ प्रतिदिन कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाता हूँ, और वो काम हमारा संकल्प चल रहा है। मैंने संस्कृत विद्यालय की स्थिति को भी देखा है, प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, यहाँ के हेडमास्टर, सभी शिक्षकों से, बच्चों से भी बातचीत हुई, कुछ परेशानियाँ हैं, जगह की कमी है। मैंने कहा है कि मैं अपने कोष से और 10 लाख रुपया फिलहाल इनके भवन के लिए और इसके जीर्णोद्धार के लिए दे रहा हूँ। मैंने अपने कोष से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बाउंड्री इत्यादि पिछले वर्षों में मैंने कराया था, लाखों रुपये से शौचालय इत्यादि, और भी जो भी काम है, अब केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हम इस काम को, बाबा की कृपा से बाबा ने सारी परियोजनाओं का, एक बृहद परियोजना इसकी बनी है, उसकी योजना जिला प्रशासन और बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे मंगलवार को बक्सर पहुंचे हुए थे। उनसे जब तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय व राष्ट्रपति की NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर किए गए तंज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जो लिखा हुआ भी पढ़ नहीं पाते हैं वह क्या किसी को मूर्ति कहेंगे, उनके घर में तो ना जाने कितनी मूर्तियां बैठी हुई हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि नित्यानंद राय RJD में शामिल होना चाह रहे थे, यह बातें राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग करने जाते समय कही थी। इसके बाद से बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों क्या कहते हैं इनके अपने खुद समझ में नहीं आता, जिनके शुद्ध शुद्ध बोलना और देखकर पढ़ना भी ना आए वह दूसरों को मूर्ति कहे यह शोभा नहीं देता है। पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे? अरे भाई, तेजस्वी और राहुल गांधी, ये दोनों क्या कहते हैं इनको अपने ही समझ में नहीं आता, जिनको शुद्ध शुद्ध बोलना और पढ़ना देख करके नहीं आवे, और वो कहते हैं मुर्मू जी के बारे में कि मूर्ति है, पता नहीं उनके घर में कितनी मूर्तियां लगी हुई है। साथ ही सीतामढ़ी में नूपुर शर्मा का वीडियो देखने के बाद युवक पर चाकू से हुए हमले में मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि जांच चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा।
बिहार सरकार व गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। देश के अंदर ऐसे आतंकियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। घायल युवक को हर प्रकार की व्यवस्था दी जा रही है, खासकर स्वास्थ्य के मामले में। बताते चले कि बिहार में सीतामढ़ी जिले के नागपुर में बाजार पर एक दुकान के पास नुपुर शर्मा का वीडियो देखने और उसकी चर्चा किए जाने को लेकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों के लिए छापेमारी की जा रही है। वो भी लड़का इसी उम्र में है, क्या लगता है बिहार में भी? नहीं, मुझे लग रहा है इसकी पूरी जांच चल रही है, क्या बात है घटना का, और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और समूचा गृह मंत्रालय, बिहार सरकार और भारत सरकार इसकी संज्ञान को लिया गया है। और कभी भी देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों को कभी भी पनपने नहीं दिया। लेकिन बिहार में भी हमला हुआ, लड़का इसी उम्र, ऐसे आतंकवादियों को पनपने और लड़के का भी तो उनके स्वास्थ्य का जांच भी, उनके हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है स्वास्थ्य के मामले में। भगवान से कामना है वो दीर्घ शीघ्र स्वस्थ होके।